और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे बलि प्रतिपदा के दिन की, खास वास्तुशास्त्र की। दीपावली के अगले दिन को बलि प्रतिपदा कहते हैं। ये तो आप जान ही गए हैं कि इस दिन घर में कुछ लाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई बंद रखनी चाहिए, यथासंभव व्यापार भी बंद रखना चाहिए, लेकिन अपने कार्य का चिंतन करना चाहिए। व्यापारियों को आज नए बही खाते बनाने की तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा आज घर में ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। घर के किसी सदस्य या किसी भी जाने अनजाने व्यक्ति से कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपव्यय नहीं करना चाहिए। मनोविनोद का वातावरण बनाना चाहिए। घर में प्रियजनों के साथ द्यूत यानी जुआ खेलना चाहिए। मित्रों से भेंट का आदान प्रदान करना चाहिए। दाम्पत्य भाव से रहना चाहिए और दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाना चाहिए। दूर स्थान की यात्रा अवॉइड करनी चाहिए। दीपावली पूजा का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और श्री गणेश लक्ष्मी का चिंतन करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा बलि प्रतिपदा की। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।